फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम। आज हम बनाएंगे समोसे का मसाला। समोसे तो सभी घर पर बनाते हैं, पर वो बात नहीं बनती जैसे हम मार्केट से समोसे लाते हैं, वैसा वाला स्वाद नहीं आता क्योंकि हमारी स्टफिंग इतनी अच्छी नहीं बन पाती है। तो आज मैं समोसे की स्टफिंग की एक रेसिपी आपको बताऊंगी जिससे आपके समोसे 100% हलवाई जैसे बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं डाल लेती हूँ तेल। तो मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा समोसे के मसाले में तेल मत डालिए, नहीं तो बहुत ऑयली हो जाएगा। उसके बाद तेल गर्म हो गया तो आधी छोटी चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने कलौंजी डाली है, जिसको ऑनियन सीड भी बोलते हैं। इसके बाद 1 छोटी चम्मच भर के मैंने बड़ी सौंफ डाली है। बड़ी सौंफ इसमें ज़रूर डलती है। इसके बाद में मैंने 3 से 4 हरी मिर्च बारीक बारीक काट के डाली है। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ये भी इसमें जाएगा। और इसके बाद में थोड़ा सा ये जब भुन जाएगा कुछ सेकंड के लिए, तो मैं इसमें 1/2 कटोरी मटर डाल दूँगी, हरी मटर। चूँकि हरी मटर फ्रोज़न है, पहले से बॉइल्ड है, तो हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कच्ची डालते हैं तो कुक करना पड़ता है। अब मैं इसमें 6 से 7 आलू डाल दूंगी, जिसको हाथ से मैं मसल कर डाल रही हूँ, चाकू से काट कर नहीं डालना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसको चला देती हूँ। आप ध्यान से देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है। बस स्टफिंग ऐसी ही बनाना, फिर आपके समोसे देखिए कितने गजब के बनेंगे। और अब हमने इसको कुछ सेकंड के लिए चलाकर अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च। बहुत चटपटा मसाला बनता है, स्पाइसी और मिर्ची बहुत तेज है ये। 1/4 टीस्पून गरम मसाला। समोसे की जो मसाला बनता है, स्टफिंग बनती है, उसमें हल्दी नहीं डाली जाती है। इसके बाद हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक स्टफिंग में थोड़ा सा तेज अच्छा लगता है, तो ये मैंने नमक डाल दिया। और इसको अब हम चलाएंगे और इसको हम भूनेंगे। भूनेंगे मतलब नीचे जो मसाला लग रहा है उसको चलाते हुए भूनना है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप चलाते रहिए। अच्छे से कलहारना है आलू को। जितने आप आलू कलहारेंगे उतना ही स्वादिष्ट आपका आलू का मसाला बनेगा, उतनी ही खुशबू आएगी उसमें से। तो ये आलू मैंने अच्छे से चला लिए, भून लिए। अब मैं इसमें मुट्ठी भर के हरा धनिया और पुदीना डाल देती हूँ। पुदीना ज़रूर डालिए, बहुत अच्छी खुशबू देता है पुदीना। और इसको अब हम चला लेंगे। जैसा कि मैंने बोला, जितना भूनेंगे उतना ही समोसे का मसाला बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये मसाला एकदम बनकर अभी हमारा तैयार हो गया है। आलू को ज़्यादा बड़े ना रखें, तोड़ के छोटे कर लें। तो गैस बंद कर दिया है, इसको मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। मेरे कहने पर ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपके समोसे बहुत परफेक्ट बनेंगे इस स्टफिंग के साथ। तो ये मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।